बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदुस्तान के सबसे अनोखे शो में जिसका नाम है कॉमेडी नाइट्स बचाओ। भारती एक बात कहूं क्या यार, बहुत गलत गलत बोल लिया सबके बारे में यार। दोस्तों मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ ये सही नहीं हो रहा, ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करना। कृष्णा नहीं भारती नहीं, कहीं तुझे पता चल तो नहीं कि आज तेरे से भी तगड़ा बंदा आ रहा है जो मुक्का मार के तेरा मुंह तोड़ देगा। ए डरते हैं क्या हम? नहीं डरते, तो बताते हैं कौन आ रहा है। कौन वो देखिए कौन, शरद और नौरा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, आज आप नौरा फतेही कम हरा फतेही ज्यादा लग रही है। ये कहाँ से आपने पैंट्स कहाँ से खरीदी, कहाँ का स्टाइल है ये एक्चुअली बेल बॉटम्स है। अच्छा वो 60 बहुत पुराना स्टाइल। हाँ अच्छा, हाँ पुराना ही होगा, दादी की पैंट पहन कर आएंगी तो पुराना ही स्टाइल होगा। ए जॉन सर। जी जी बोलिए। पीछे क्या छुपा रहे सर आप? जी वैसे हाथ रखा हूँ मैं पीछे क्योंकि कृष्णा मेरे सामने खड़ा है ना। तो कहते कृष्णा की शक्ल देख के मेरा मुक्का निकल जाता है, इसीलिए बेचारे ने हाथ पकड़े हुए पीछे। इनका कोई भरोसा नहीं, टर्न करके ऐसे कर देंगे। ये वैसे सर आज भी ऐसे जो किया था ना, वो स्किन नहीं जा रही दिमाग से सर। मतलब ऐसा मस्त किया, टैन स्किन देखी ना सर, मजा आ गया था। अभी कैसा है सर? देख लो ना। हाय जॉन सर, ऐसे करेंगे भीड़ आ जाएगी। वैसे ही शरद करेगा कि हाय हाय हेलो। लेकिन ऐसा नहीं है शरद, मेरे बहुत पुराने पार्टनर है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सर? तुम्हारे सामने अच्छा चौकी बोलती बंद हो जाती है यार भारती। खैर मैं कहना चाहूंगा द रियल सुपरस्टार जॉन अब्राहम के लिए जोरदार तालियां। मैं सच्ची कहूंगा कि यही रियल सुपरस्टार है, पूछिए क्यों? आप लोगों ने धूम देखी, शूट आउट एट वडाला देखी, जो बंदा तुषार कपूर और उदय चोपड़ा के साथ सुपरहिट फिल्म दे सकता वही रॉकस्टार है, और कोई है ही नहीं। अरे नोरा, नमस्ते, नहीं, 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 दूर लो। आज नोरा का चोरा चोरा होएगा। ऐसे भी डॉक्टर ने मुझे कहा बेटा हरी चीजें खाओ, हरी चीजें। इनका कमाल है, लोग पेट के लिए काम करते हैं, इनके लिए इनका पेट काम करता है। वो कैसे कैसे नोरा एक बार करके बताइए। ऐसा ही होता है भाई, जब जिंदा कुत्ता खाओ ना तो अंदर हिलता ही है। सर क्या मस्त करती लड़की पेट है ना सर। बहुत एक और फिर पहली बार देख रहा हूँ मैं। शरद ने मुझे कहा कि पीछे का क्या बोलते हैं उसको? अच्छा twerking। बता दो उनको क्या कहते हैं। एक बार गाना बजा दो तो बता। गाना बजा दो, बता दो। बजाइए जी। मैं आपको बताऊं ऐसा हमारे शकील भाई भी करते हैं जब इनको। मैंने खुद देखा कि ये तो भारती जी सबसे पहले सिंहासन पे किसको भेजा जाए? वैसे तो जॉन सर को बिठाना था लेकिन डोले वोले देख के भैया मेरे को मरना नहीं है, इसलिए सर आप खूबसूरती के बीच में बैठिए जाकर, और नोरा और शरद काय झाला पेड़ा वाटा पेड़ा। अरे बेटा आज की बात नोरा। क्या हुआ शरद बाबू? कुछ नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बाय 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 बाय। जरा मैं रेडियो के, और नोरा चोरा चोरा। मतलब आज शरद केलकर का शरद खोलकर होने वाला है। जॉन आज बहुत अच्छे से होने वाली है इनकी। कर लो कर लो। गिर गिर के हंसना है इनके ऊपर, बहुत जरूरी है, और हाथ कहीं ऐसे अपने मत कर लेना अपने। ऐसे इतने बड़े बाइसेप से रात को प्रॉब्लम नहीं होती, बाई चांस करवट लेते हाथ जब सांस बंद हो जाती होगी। जैसे ना जॉन की तो बॉडी इतनी बड़ी और क्यूट सा फेस, मतलब हैंडसम छोटा सा है ना, मतलब इतनी बड़ी बॉडी पे क्यूट फेस, ऐसा लगता है पहाड़ के बीच में से गिलहरी ऐसे झांक रही है। जॉन वैसे साइज क्या है बाइसेप्स का? About 18 and a half के आसपास। 18 and a half। और चेस्ट का?
45-46 होगा अभी यहाँ पे वो करेगा। ये बस जॉन ऐसे करिए ना प्लीज। मतलब यहाँ तो फिर भी इतने नॉर्मल लगते हैं, ऐसे करने के बाद जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। पूरा गाना लगाओ ना, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। मैं गांव से हूँ ना, मुझे पता नहीं चलता किधर जाना। क्या करेगा सॉरी सर, कभी कभी ना वीकनेस से पप्पी निकल जाती है मेरी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चुप करो। आपको क्या सर? नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो नहीं आती किसी माँ बहन को ऐसे कहती हो किसी की। अच्छा लगा। सर मैंने सुना है कि आप मॉडल भी थे। जी। लोग कहते हैं जो मॉडल होता है ना वो अच्छा एक्टर बन नहीं पाता। हाँ। लेकिन सर आपने इतने सालों बाद आज साबित कर दिया कि वो सही थे। वो गलत है, गलत है, गलत बोला मैंने। अरे गलत बोला सर, मैं आपकी फिटनेस की बहुत बड़ी फैन हूँ यार। सुबह सुबह दूध, अंडे, ब्रेड लोगों के घर पहुंचाना सर बड़ी बात होती है। क्योंकि मुझे पता सिर्फ एक्टिंग से बंदा प्रोड्यूसर नहीं बन सकता, साथ में दूसरा काम भी होना चाहिए, है ना सर? खैर लाए भारी। कैसे है शरद? बहुत बढ़िया दीदी। खाना खुना खाया? बस मेहरबानी है। कितना झूठ बोलते हैं, कहते जो बंदा टैलेंटेड नहीं होता उसको दो वक्त का खाना नहीं मिलता, ये कहाँ से खाया? लेकिन एक बात है सर, मैं रॉकी एंसम के शूट पे आई थी, शरद केलकर ने ऑर्डर दिया आज से मैरियट से इतना महंगा महंगा खाना, इससे थाली पे लगा रहे थे और आपकी वैन की तरफ लेके आ रहे थे, साफ खाना देना है। लेकिन नोरा के लिए भी जोरदार तालियां। नोरा मुझे पता है किक टू कर रही है ना जी, तेलुगु का। सलमान भाई ने बताया नहीं इस बार किक कहाँ पे, मुंह पे या पीठ पे? लेकिन नहीं सर मैं मजाक कर रही थी, नोरा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मतलब इमोशनल लड़की है। एक बार हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे थे, नोरा ने देखा एक लड़की ना छोटी बच्ची ऐसे रस्सी पे चल रही थी, इसने गाड़ी रोकी, पर्स खोला, 1000 रुपये उस बच्ची को दे दिया। मैं रोने लगी, मैं कह नोरा आप इतनी इमोशनल है, कहती नहीं बचपन में मैं भी यही करती थी। नोरा भारती मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करने का है? मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ? यस जोरदार तालियां। मैं अकेली करूंगी यार, मेरा एक्ट भी अच्छा हुआ करेगा। मैं आज के एपिसोड की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अरे क्या हो गया तेरे को? मैंने कल क्या कहा था डायरेक्टर को, मेरा मेकअप वाला यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, कहीं तो बैठेगा। कह रहे नहीं इज्जत की बात है जी, एक लेवल पे नहीं बैठ सकते, तो आज क्या हुआ है? अरे वो शरद है। तो मैं शरद की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं पिछले हफ्ते जो आर्टिस्ट रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या कर रही है तू? साले किसको बोल के किसको सुना रहा है तू? है शरद मेरा दोस्त है यार, कुछ मत बोलना उसके बारे में। ओ मेरा भी दोस्त है, तेरे को पता है कितना बड़ा कॉमेडियन है? कॉमेडियन तो है, सही बोला। अभी बाहर सबको कह रहा था हाय आई एम शरद केलकर एक्टर, लोग कहते हाय एक्टर। अरे ऐसे कर करके सर बेहोश हो गए कितने लोग। क्यों? अरे यही तो इसका धंधा है, अपने आप को एक्टर बोलता है, लोग हंस के बेहोश होते, पर्स निकाल के निकल जाता आगे। तेरे को पता है कमाल का एक्टर है, वन टेक आर्टिस्ट। क्या बात है, अब पासिंग शॉट में कौन सा रीटेक होता है सर? लेकिन ये बात है शरद केलकर क्रिकेट बहुत मस्त खेलते हैं, जोरदार तालियां। बहुत। एक बार मैं इनका मैच देखने गई, मैच शुरू होने वाला था, शरद ग्राउंड के 20 चक्कर काट रहे थे, मैंने रोका, मैं कहा भाई 20 हो गए, मैं कहा मैच से पहले इतनी एक्सरसाइज करते, नहीं कल 5 रुपए गिरे थे मिल नहीं रहे। अरे पर तुम्हें पता है शरद दिल का बहुत अच्छा, लेकिन पूरा घर बेचारे का खाली सर, एक कोने पे लिखा था यहाँ टीवी होगा, दूसरे कोने पे यहाँ फ्रिज होगा, छत पे लिखा था देखो पंखा चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, और हद तो तब भाई जो खुजाने के लिए टी शर्ट ऐसे की ना, तो गले पे लिखा था एक दिन सोने की चैन पहनूंगा।
यार जस्ट बिकॉज वो यहाँ बैठा हुआ है तू उन्हीं से बात कर रही है, जॉन सर आए कौन बात करेगा, पप्पियाँ कर ली है बात नहीं करेगी तू? सर मैं बातों बातों में भूल ही गई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैंने आपकी नो स्मोकिंग सर हाय हाय रोज देखती हूँ रात को मैं। इतनी बड़ी फैन है तू? नहीं डॉक्टर ने कहा पूरी नींद लेनी है। अरे जैसे फिल्म लगाओ इससे खराटे आते हैं ना, सुबह फ्रेश उठती हूँ मैं। क्या बोले यार ये नींद आती है, कितने अच्छे आदमी देख, स्माइल देख, डिंपल देख, सर एक बार जरा दिखा दो डिंपल। ए बंदे ने पहले सोचा हुआ था कि इस डिंपल के साथ हीरो बन गया तो ठीक है, वरना प्रीटी जंटा बन के फिल्में करूंगा। हाय शरद लल्ले आपने ना बेटा तेरी फिल्म देख के मैं गई थी संजय लीला बंसाली के बाद, मैं क्या सर आपने इनको रामलीला में लिया था, ये बाजीराव में क्यों नहीं लिया, कहते ऑलरेडी मैं बहुत सारे घोड़े कास्ट कर चुका था। नोरा यार ये देख, नोरा मुझे ना सबसे ज्यादा टैलेंटेड खूबसूरत सुपर एक्टिंग मतलब बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत बढ़िया बॉस, ना भी दिखा के बॉलीवुड की चाबी ले ली है इसने। हाँ, वो करके तो इतनी फिल्में ले ली यार, सर मैंने भी ऐसा ना भी दिखा के तीन चार भैया के बीड़ी बुझा के चले गए।